नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर माल बर्दारी के काम से जुड़े कामगारों ने अपने मसाइल को उजागर करने के लिए एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया। इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर प्रताप पाटिल चिखलीकर, बीजेपी शहर व जिला सदर परवीन साले को बतौर खास मधु किया गया। कन्वेंशन के दौरान रेलवे कामगार मजदूर यूनियन के जिम्मेदारों ने माल बर्दारी से जुड़े मजदूरों के मसाइल गिनाए और इन मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाने की अपील की। प्रताप पाटिल चिखलीकर ने मजदूरों के मसाइल को संजीदगी से सुना और उनके मसाइल पर पार्लियामेंट में आवाज उठाने का यकीन दिलाया। वाजह है कि रेलवे स्टेशन पर माल बर्दारी के काम से जुड़े मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। इन्हें हुकूमत की जानिब से भी किसी भी तरह की सहूलतें नहीं मिलती। वो ये चाहते हैं कि इनके मसाइल को सुना जाए, इस पर गौर किया जाए और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाए जाए। रेल महकमा चूँकि मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, इसलिए इन लोगों ने अपनी बात मरकजी हुकूमत तक पहुँचाने के लिए आज ये कन्वेंशन मुनाकिद किया। कन्वेंशन में कसीर तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी प्रणीत रेलवे कामगारांची हमालांची जी संघटना आहे त्याच्या शाखेचं उद्घाटन या संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संजय भाऊ केनेकर यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी पार पडलं। अतिशय उत्साहामध्ये हा कार्यक्रम या ठिकाणी त्यांनी घेतला। त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या संदर्भाने निश्चित अधिवेशनाच्या काळात दिल्लीमध्ये माननीय रेल्वे मंत्री राज्यमंत्री दानवे साहेब यांच्याकडे बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्याचा निश्चितपणाने पाठपुरावा केला जाईल। आणि या ठिकाणी गोपाळराव माळगेच्या नेतृत्वामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही संघटना चालते, त्यांचं मनापासून मी कौतुक करतो, त्यांना धन्यवाद।